तमाम हजरात के लिए भी बात है जनाब। हसन हसन का वो जोश और खरोश भी मदम बढ़ता जा रहा है। आप
कम होती नजर आई। ये एक अलमिया है और मैं अलाम इस्लाई साहब उनकी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा उसी पर फोकस करते हुए ये समझता हूँ कि ये कमी क्यों आई है। ये सिर्फ आपके बारे में का मसला नहीं है, बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें भी इससे भी कम लोग होते हैं। बड़ी बड़ी पूरी अहले सुन्नत मिल कॉन्फ्रेंसेज करती है, तो जो हमारी जितनी भी जमातें हैं अहले सुन्नत की वो सारी मरकजी जमातें जितनी भी हैं मरकजी जमात है, कोई भी मरकज से पीछे छोटा लफ्ज अपने साथ लगाना पसंद नहीं करता। तो वो मरकजी जमात में से वही लोग होते हैं जो जमात के अहदेदारान होते हैं, अवाम अहले सुन्नत नजर नहीं आता। तो इसकी वजह वही है जो अलामा मसवाई साहब ने अपने नूरानी मिसबाही तकरीर में आखिर में बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पुत्रों के रूप में हुब्बे मोहम्मदी नबी पाक की मोहब्बत हमारे जलसों की जान है, नबी पाक की मोहब्बत हमारे प्रोग्रामों का वो खूबसूरत रुमान है जिस पर इंसान इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन कमी इसी बात की है कि ना होबे नबी का वो जज्बा रहा, ना होबे आले नबी का वो जज्बा रहा, ना होबे अस्हाबे नबी का वो जज्बा रहा। और कुरान पाक तो बहुत ही पीछे आ गया है, ये जो सबसे आगे होना चाहिए था वो सबसे पीछे है। सिर्फ मजलिस में आकर आज जो आपने एक खैरात कमाई है आज की इस महफिल में, अगर इसी को आप लोग आज से शुरू कर दें, मैं भी शुरू कर दूँ, आप भी शुरू कर दें, और हम अपने बच्चों को सामने बिठा कर ये बता दें कि मुझे पहचानो या ना पहचानो, पहचानो जिसका पहचानना जरूरी है, अपने बाप का नाम भूल जाओ तो खैर है, अपनी माँ का नसब भूल जाओ तो खैर है, लेकिन नबी की जात को फरामोश करना ये बेईमानी है जिसने अपने बच्चों में इस जज्बे को पैदा कर दिया और अपने बच्चों के दरमियान हुजूर के घराने का तज़किरा किया, हुजूर की सोहबत से फैज़ याफ्ता वो नफूसे कुदसिया जिनको आसमान हिदायत का सितारा कहा गया है, जिसने उनकी मोहब्बत अपने बच्चों के माँ बहन पैदा कर दी। याद रखो अहले सुन्नत को कोई नुकसान नहीं है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं कि अपने बच्चों के साथ जिस तरह हम उनकी जरूरियात पूरी करते हैं, किताबें लेकर देते हैं, लिबास लेकर देते हैं, आला तालीमी इदारों में दाखिल करते हैं। वाकई कभी ऐसा मुझे देखने को तो नहीं मिला कहीं बाप ने बेटे को बिठा रखा हो, आओ बेटे मैं बताता हूँ कि नबी पाक कौन थे, वो कैसे थे, उनका हुलिया क्या था, उनका तर्ज गुफ्तगू क्या था, उनके बेटे कौन थे, उनकी बेटियाँ कौन थी। और फिर ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। मजलिस चाहे हजरत हुसैन की हो, हजरत हसन की हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हो, मेराज की महफिल हो या मीलाद की महफिल हो या ग्यारहवीं की महफिल हो, हर एक का नुक्ता है इत्तेहाद मोहब्बत मुस्तफा। और ये वो वाहिद नुस्खा है कि जिसके बाद आपकी महफिल फिर से रौनक अफरोज हो सकती है, और इसका ये मदहम पान खत्म होकर फिर इस महफिल का जो रानाई है, इस महफिल की जो ज़ेबाइश है और इसकी आराइश है, उसको दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में अहले सुन्नत का माहौल पैदा करने की तौफीक अता। बहुत अच्छी गुफ्तगू थी और इन्होंने सारी गुफ्तगू करके कहा कि तकरीर भी शौक करेगी।
इनके मुफजल में बहुत तरक्या का फरमाए। खुशी होती है जब अहले सुन्नत के मेहराब व मिंबर से इस तरह की खूबसूरत और पाकीज़ा आवाज़ें बुलंद होती हैं। एक आस बंधी रहती है, उम्मीद की किरण चमकती रहती है कि अहले सुन्नत व जमात का ये बेड़ा इंशाअल्लाह पार लगेगा। इन उलमाए अहले सुन्नत को कब्रुल आबाद तक इस दीन की खिदमत की तौफीक नसीब करे। वक्त मुख्तसर, मैं थोड़ी सी रसूल बरकत के लिए चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह, सुभानअल्लाह, अभी यहीं तक रखते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह। अल्लाह तो ये इरादा फरमाता है, क्या इन्नमा, यानी अल्लाह तो बस ये इरादा फरमाता है। युरीदो, युरीदो का मतलब है इरादा फरमाता है किस चीज़ का, वो बाद में मजकूर है लेकिन यहाँ फेल और फाइल का जिक्र है और इनके फेल और फाइल में क्या खूबसूरती है कि फेल खूबसूरत है, फाइल उससे भी खूबसूरत है। फेल इरादा है, फेल क्या है, इन्नमा युरीदो, ये युरीदो फेल है और इस फेल का फाइल कौन है, अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु यानी इरादा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह इरादा करता है। अब अल्लाह की शान कैसी है, अल्लाह की जात कैसी है, उसकी इज्जत कैसी है, उसकी वजाहत कैसी है, उसकी सिफात कैसी हैं, उसकी अजमत का क्या आलम है, ये तो आज तक कोई पैमाना अभी बना नहीं जिससे इस हैसियत को जाना जा सके। लेकिन एक बात हतमी है कि जैसे उसकी जात होगी उसी मर्तबे का इरादा होगा। जैसी जात होगी वैसे इरादा होगा, फाइल की शान के मुताबिक उसका फेल होगा, जैसा फाइल है वैसे उसका फेल होगा, जैसे जात है वैसे ही उसका फेल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, किसी के साथ अल्लाह को तशबीह नहीं की जा सकती, अल्लाह की जात में ना अल्लाह की सिफात में। अल्लाह मखलूक से बालातर है, मखलूक के साथ उसकी कोई मुशाबहत नहीं है, लैसा कमिस्लिही शय, उस जैसी कोई चीज नहीं है, उसकी जात को समझना नामुमकिन बात है। लेकिन ये बात अटल है कि रब्बुल आलमीन जब भी इरादा फरमाएगा वो इरादा उसकी शान के मुताबिक होगा और अल्लाह की जैसी शान है वैसी ही शान इरादे की है। और फिर इरादा किसे कहते हैं, इरादा हमारे इंसानों के लिए जब इरादे की बात आए तो उसमें इरादा दो किस्मों पर है और उसको नियत से भी ताबीर किया जाता है। नियत का मतलब ही इरादा है और नियत लफ्जी है और एक नियत है ज़हनी या कल्बी है। एक नियत वो है जो लफ्जों में अदा होती है और एक नियत वो है जो लफ्जों में अदा नहीं होती, अंदर ही अंदर ख्याल पका लिया जाता है। ये दोनों नियतें नाफिल हैं, बात समझे। आप नमाज पढ़ते हैं, नियत करता हूं मैं दो रकात, चार रकात, पंद्रह रकात, जितनी भी है, आपने लफ्जों से नहीं कहा, दिल में कहा कि मैं दो रकात फर्ज पढ़ता हूँ फजर के, नियत हो जाएगी, हो जाएगी, डरते क्यों, बोलो ना, हो जाएगी, हो जाएगी नमाज, हो जाएगी। लेकिन किसने लफ्जों का भी इस्तेमाल कर लिया, जिसने लफ्जों का इस्तेमाल कर लिया उसको दोहरा सवाब होगा, इसलिए कि उसने
जो दिल में था वो जुबान पर भी आ गया, दिल वाला सवाब मिल गया, जुबान वाला सवाब मिल गया। अब ये दो वजूह से उसकी नियत मजीद मोतबर और मौकद हो गई। मोतबर भी हो गई, मौकद हो गई कि उसने दिल और जुबान को एक ही राह पे लगा दिया, दिल और जुबान को एक रास्ते का मुसाफिर बना दिया है। और जब तक इरादा दिल में हो दूसरे को खबर नहीं होगी। बात समझ आई? आपके दिल का क्या क्या इरादे होंगे? अभी आपने सोच रखा होगा मेरे प्रोग्राम को नहीं, अल्लाह का नसीब जल्दी खत्म हो ही जाएगी, फिर मैं किधर किधर जाना है, पूरे पास जाना, रानी घर जाना, रानी शॉप से जाना, शॉपिंग करनी, पता नहीं क्या क्या इरादे आपने दिनों बना रखे। लेकिन क्या मुझे खबर है? आपको खबर है कि मेरा क्या इरादा है? हमें एक दूसरे के इरादे की खबर नहीं, हमें एक दूसरे के इरादे की खबर नहीं। हम अपना इरादा, सिर्फ वो इरादा कि जिसका ताल्लुक जात से ना हो बल्कि गैर के साथ हो, उसमें हम इरादे को दिल तक महदूद नहीं करते, उसको लफ्जों में मुतशक्कल कर देते। जिस बात का ताल्लुक अपनी जात के साथ सिर्फ ना हो बल्कि उसका ताल्लुक गैर के साथ हो। गैर कौन है? जो आपके अलावा है वो हर चीज आपकी गैर है, आप एक दूसरे के लिए गैर है, खुद ऐन हो। खुद क्या हो? ऐन हो। और आपके अलावा जितने हैं वो आपके गैर हैं। एक खुद होता है, इसको ऐन कहते हैं, और जो चीज आपकी नहीं है आपके अलावा है वो आपका गैर है। और जब नियत और आपके इरादे का ताल्लुक सिर्फ अपनी जात से हो तो फिर लफ्जों में मुतशक्कल करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उसका ताल्लुक गैर के साथ भी हो तो फिर इरादे को छुपाया नहीं जाता, इरादे को जाहिर किया जाता। बात समझे गए? फिर इरादे को जाहिर किया जाता है। और आप देखें अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया, क्या इरादा फरमाया? फरिश्तों का इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। उनको अपना इरादा बताया। अगर इस खिलाफत के अता करने का ताल्लुक सिर्फ जाते बारी ताला सिर्फ अल्लाह की जात तक होगा तो फरिश्तों को इस पर खबर देने की जरूरत नहीं थी। तख्लीक के आदम में फरिश्तों को खबर देना इस बात की शर्त है कि ये इरादा रब का था, लेकिन ताल्लुक फरिश्तों से भी है। लिहाजा उनको कहा, ऐ फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह का है लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं बल्कि दूसरों को बताना भी जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने इसका इजहार किया और फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। और इसी अंदाज से इस आयत करीमा में अल्लाह ने इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का इरादा है। इरादा क्या है? ले युज़हिबा अन्कुम
कुरान के अंदर रब अपनी नियत का इजहार कर रहा है और कहा देखो मैं फाइल हूँ, मेरा फेल देखो, मैं इरादा करने वाला हूँ, मेरा इरादा देखो, मैं रब होके अपना इरादा बताता हूँ। मेरा इरादा ये है कि जितने भी अहले बैत मुस्तफा है उन्हें मैंने पाक कर दिया, मैंने उन्हें पाक कर दिया। अल्लाह ने पाक किया, पाक करने वाला कौन है? अल्लाह। पाक होने वाले कौन है? अल्लाह। बोलते लिया अहले बैत, इसमें अजवाज नहीं बल्कि अजवाज ही शामिल है। नबी पाक ने अपने उस इख्तियार से कि जो कि अल्लाह ने आपको अता फरमाया, इस आयत तकहीर में आपने हसन हुसैन फातिमा वली को भी शामिल कर दिया। नबी के साथ नजासत नहीं रह सकती, नबी के साथ कमजोरी नहीं रह सकती, नबी के साथ कोई ऐब वाला नहीं रह सकता। इसलिए फरमाया कि सारी अज़वाज मुतहरात ये आयत तकहीर का मिसदाक अव्वल हैं। लेकिन फिर एक मौके पर नबी पाक ने अपनी काली कमली के अंदर हजरत हसन को छुपाया, हजरत हुसैन को छुपाया, हजरत अली को छुपाया, हजरत फातिमा को छुपा के कहा सबको बैठा के कहता
मैं तुम सब के लिए दुआ करती रहो, पाक हो गए हो। मैं अल्लाह ने मुझे ये शान दी है, मैं भी पाक करने वाला हूं, मैं भी पाक करने वाला हूं, मैं तुम्हें पाक कर रहा हूं। लेकिन अगर नबी पाक ये दावा करते मैंने पाक कर दिया है, शायद किसी दिमाग में आता, शायद किसी ख्याल में आता, शायद किसी के काल में आता, शायद किसी के वजदान में आता, शायद किसी के दिल में आता। अपने बच्चों को पाक कर रहे हैं, अपनी बीवियों को पाक कर रहे हैं, अपनी फार्मा को पाक कर रहे हैं, उस अली को पाक कर रहे हैं जिसे बचपन में गोद में रखा। तो ये क्या कमाल कि अपनों की पाकी का एहतमाम किया। हाँ नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, पाक नबी भी कर सकते हैं, लेकिन सारी कायनात को बता दिया, अपने नबी को ये मर्तबा मैंने दिया है कि जितना इरादा हमें बताया, हम ताबेदार हो गए। इसी का
झुकने का मतलब ये कि जिस चीज का ऐलान किया जा रहा है उसको कबूल कर लो, ये झुकना है। और वो क्या है? वो ये है कि जितने हुजूर के अहले बैत हैं ये सब पाक हैं। ये क्या है? पाक है। अल्लाह इरादा फरमाए और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है? बोलो नहीं। हमारे बाद में कहते हैं तबलीग से जो इरादा कर तो हमें ना भी जाओ तो हमें इरादे का स्वाद मिल जाएगा। कहते हैं बाद में इरादा करो, इरादा करो, बाद में पता चला उनकी बीवी फोन होगी तो इरादा उठी रह गया। यानी हमारे साथ अलायक, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें वाबस्ता हैं कि हम अपने इरादों में कामयाब नहीं। कुछ कई मवाने हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने इरादे को पूरा करने नहीं देती। आप इरादा करते हैं कि मैंने आज पाकिस्तान जाऊं, अब जाते हैं 9 बजे की फ्लाइट है, रास्ते में आपकी गाड़ी देखता हूँ खत्म, तो आपकी फ्लाइट होगी। अब उस दिन नहीं गए, या आप उनसे कहेंगे कि ठहरो मेरी गड्डी खराब है, थोड़ी गल सुन रहा, यानी थोड़े इरादे पूरे हों एक कोई इतनी जरूरी है नहीं। तुसी इरादा करो, या तो वो काम हो जाएगा या वो काम बोलते नहीं होगा, या तो वो काम हो जाएगा जब तुम इंटेंशन मेक करोगे मुझे ये काम करना है, तो या तो वो हो जाएगा और या फिर नहीं होगा। इसलिए कि आप महदूद हैं, आप तहत असबाब रहने वाले हैं, आप हुदूद के अंदर रहते हैं, आप असबाब के माबैन रहते हैं, और कभी भी अचानक कोई मुसीबत आ सकती है, तुम अपने इरादे में नाकाम हो सकते हो। अल्लाह अल्लाह महदूद है, वो जमान जमान वो मकान की कैद से पाक है, वो असबाब से पाक है, वो अपने इरादे को पूरा करने में मखलूक की रजा से पाक है, फरिश्तों के इज्म से पाक है, कायनात का कोई वाकया उसके इरादे को टाल नहीं सकता है। जब ये साबित हो गया कि उसके इरादे को रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये साबित हो गया कि सारे अहले बैत पाक हो गए। अल्लाह का इरादा होता रहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह ने ये इरादा फरमाया है। क्या इरादा फरमाया? लियुज़हिबा अनकुम रिज़ अहलल बैत, तुमसे दूर कर दे ये अहले बैत हर तरह की नापाकी को, हर तरह की गंदगी को, हर तरह की काबिले ऐब चीज को। वयुतहिरा कुन तत्हीरा, और तुम्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। यह अल्लाह का इरादा है। अब आप देखो कि खुदा का इरादा पूरा हुआ और किस अंदाज से हुआ। हजरत अली को देखो, आपको लगता है कि अल्लाह का इरादा पूरा हो गया? जब आप हजरत फातिमा को देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि अल्लाह का इरादा पूरा हो गया? जब आप हजरत हसन को देखते हैं आपको लगता नहीं अल्लाह का इरादा पूरा हो गया? और जब आप हुसैन की कुर्बानी देखते हैं आपको लगता नहीं कि अल्लाह का इरादा पूरा हो गया? और जब आप अज़वाज मुतहरात ये नूर की लड़ी में पिरोई हुई वो खूबसूरत माएँ, उम्मत की माएँ के जिनको अल्लाह ताला ने साथ दिया, तो पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका साथ दिया, पता चला कि उन औरतों के जो काबिल थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी काबिलियत देखो कि अल्लाह ने उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अता फरमाई। पता चला अज़वाज मुतहरात भी पाक हैं, हसन हुसैन भी पाक हैं, फातिमा भी पाक हैं, हजरत हैदर कर्रार भी पाक हैं, और इन सब को ये पाकी मिलने का सबब क्या है? सबब ये है कि ये मुस्तफा करीम का घराना है, घराना है, इसका पाक होना जरूरी। अब मैं ये तो बात थी सारी ये बताने के लिए कि खुदा ने उन्हें पाक कर दिया। ऐसा हो सकता है कि जिसे खुदा पाक कर दे वो जिंदगी के किसी मोड़ पे डर ना पाओ? नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं तो ना बोलने का चाचा मैंने पढ़े तो लगा होता है, जब मैं कुछ कहता तो परेशान हो जाता है। अल्लाह
इस आदमी को पाक करना है और पाक कर दे। फिर मैंने कहा था कि फाइल को देखा जाता है, फाइल की शान का है, फिर उसका फेल देखा जाता है। अल्लाह ने तत्हीर की आयत में ये ऐलान कर दिया कि ये पाक हो गए, ये जो पाक हो गए ये जिंदगी के किसी मोड़ पर नापाक हो सकते हैं। अभी जैसे अलामा साहब भी कह रहे थे, किसी बदबخت ने यहाँ तक कहा और कहते हैं हुआ एक ब्रो है जो कहने वाला है कि हजरत इमाम हुसैन ने खुरूज किया, खुरूज बगावत को कहते हैं। तो आयत तत्हीर के तहत पाक होने वालों का के लिए ये लफ्ज कहना जायज है? अल्लाह ने जिन्हें पाक किया वो बाकी हो सकते हैं? अल्लाह ने जिन्हें पाक किया, हम तो नबी के पाक किए हुए को भी कभी नापाक नहीं समझते हैं। रगों में फातिमा और अली का खून दौड़ रहा है, उनका इश्तेहार है। ये वो इश्तेहार है कि जिस इश्तेहार के पीछे इल्मे नबुव्वत का करना नजर आता है, ये उस शख्सियत का इश्तेहार है कि जिसके वालिद को नबी पाक ने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। इल्मे नबुव्वत के लिए जिसे हम भी हैं गुनाहों के सबब से।
लिए फैसला किया कि जिससे आपको नफरत हो आप उसके साथ रहना चाहते हैं? बोलो नहीं। बड़ी ख्वाहिश है जिसके नाल मेरी मोहब्बत होवे मैं हर वेले उसके नाल रहूं। ये उसूल है। सुभान अल्लाह। मजाज के अंदर भी यही उसूल है और हकीकत के अंदर भी यही है। इश्क मजाजी होवे या इश्क हकीकी होवे दोनों का उसूल एक ही है। Yeah.
कि हम अल्लाह की बारगाह में वसीला मुहम्मदी पेश करते हैं। ये तो वो वास्ता है जो नबी ने खुद पेश किया है, अपना वास्ता खुद अल्लाह की बारगाह में पेश किया। फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। अब समझो ना यहाँ मैं का मकाम क्या है। इबारत में इन्हीं की नजाकत को समझने की कोशिश करो कि नबी पाक जब अल्लाह को इन्हीं कह के पुकार रहे हैं कि अल्लाह मैं ये मोहब्बत करता हूँ, इससे पता चला कि नबी को मालूम है कि मेरा अमल खुदा के यहाँ क्या मकाम रखता है, मैं अल्लाह के यहाँ मेरी सात और मेरी सिफात क्या मकाम रखती हैं। इसलिए कहा किसी और की बात नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह तुझे मोहब्बत, तू भी मोहब्बत फरमा। अब मुझे बताओ नबी की दुआ अलग होती मोहब्बत करते हैं और अल्लाह भी मोहब्बत करता है। लेकिन फिर अहले सुन्नत का अकीदा आखिर में बयान होता है